देवाशय के उज्जैन रोड पर मरीमाता चौराहे पर ठेले वालों को हटाने के लिए निगम स्वास्थ्य निरीक्षण आरएस केलकर के अमले के साथ पहुंचे। नगर निगम की टीम ने ठेले को पलटा दिया गया, जिससे फल भी नष्ट हो गए हैं। ठेले संचालकों ने इसका विरोध किया तो आदेश मिलने का हवाला भी दिया। साथ ही निगम टीम ने सख्त चेतावनी दी कि कल से यहाँ पर कोई भी ठेला नहीं लगाएगा। इन लोगों का कहना था कि रोज 5 रुपये की रसीद भी नगर निगम से कटवाते हैं और ऊपर से 100 से 200 रुपये भी अलग से ले जाते हैं। निगम की टीम का कहना है कि लोगों ने लिखित में शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये नगर निगम की टीम आके रोज खाता उठा के ले जाती है। रोज जो है 5 रुपए रोज तो रसीद के दे ही रहे हैं और एक एक जना 200 भी दो अलग। 200 किस बात के? क्या मालूम किस बात के, नगर निगम से पूछो किस बात के। अच्छा आज क्या हुआ था यहाँ पे? आज ये होता है जो सुबह ठेले जमा रहा और आके नगर निगम ने ठेला पलटी खिला दिया। किन्ने खिलाया था? अभी इतने सारों में से किन्ने खिलाया ये नहीं मालूम। नगर निगम वाले ने खिलाया? नगर निगम वालों ने। कौन सी? 5000 रुपए का माल अभी यार भलके लाए हैं। कुछ ये ठेले वालों हटाने के लिए आया था, कभी शिकायत के आधार पर क्या कहना पड़ रहा? ठेले वाले बोले हमें कहाँ जाएंगे, खुद ने अपना हाथ से ठेला यहाँ पलटा दिया। कहना है कि नगर निगम को जेलकर साहब उन्होंने ठेला दिखाया? नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और कसम खा के बोल रहे मेरे सामने, कसम खा के मेरे सामने बोल रहे अपने बच्चों की, तो मैं मान जाऊंगा कि चलो मैंने फेंका है। झूठ बोल रहे हैं, सरासर ये बगैर गंदी बातों पर बात ही नहीं करते यहाँ पे। यहाँ हटा इसलिए जा रहे हैं कि डिविजनल कमिश्नर की आनंद नगर वालों की सबकी शिकायत है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है और शिकायत मैंने सोचा अभी आपको बताइए, आपने देख लिया, ये कंप्लेंट है मेरे पास डिविजनल कमिश्नर की, यहाँ के सब नागरिकों का। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।